हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKG AVM सुजानगढ़। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है स्पीच राइटिंग का टॉपिक। ये 9th और 10th दोनों ही क्लासेस में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर ये टॉपिक आपके पूरे 6 मार्क्स का आता है। आज हम सीखेंगे कि स्पीच कैसे हमको लिखनी है एग्जामिनेशन की कॉपी के अंदर, ताकि हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आएँ। क्योंकि पर्टिकुलर जो हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, उस टॉपिक के बारे में हमको जानकारी पूरी होनी चाहिए। उस टॉपिक को लिखने का तरीका क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हमको ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें हमको नहीं ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें हमको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ताकि हमको ये छोटी छोटी बारीकी अगर ध्यान में रहेगी तो हमारे मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। तो आज हम जब स्पीच का टॉपिक कर ही रहे हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि स्पीच का मतलब होता है आपका भाषण। भाषण मान लो ये जो स्पीच है, आप कोई भी टॉपिक के ऊपर कहीं पर भी दे सकते हो। आप कोई सा भी, जैसे करप्शन का ले सकते हो, क्राइम रेट का टॉपिक ले सकते हो, एजुकेशनल टॉपिक ले सकते हो, मॉर्निंग वॉक के ऊपर टॉपिक ले सकते हो, कोई सा भी टॉपिक आपकी जो भी पसंद का हो वो आप ले सकते हो इसके अंदर। उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका टॉपिक हो, उसके आपको लगभग 5 या 6 लाइनें आपकी उस टॉपिक की प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। और उसको लिखने का वे क्या रहता है कि आपको छोटे छोटे जो है, मतलब सेंटेंस के अंदर पूरी बात आनी चाहिए, और वर्ड्स जो हो, जो भी आप वोकेबुलरी यूज़ में उसमें लो, वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, नए नए वर्ड्स उसके अंदर आएँ। स्टेप बाय स्टेप उसको लिखने के पर्टिकुलर रूल होते हैं एक स्पीच को लिखने की आपकी, ठीक है। करंट के अंदर भी जो टॉपिक आपके चल रहे होते हैं रिसेंटली, वो भी टॉपिक आप उसमें ले सकते हो। जैसे कि आप अभी वर्तमान में जो करप्शन का टॉपिक है वो ले सकते हो, क्राइम रेट का टॉपिक ले लो आप लोग, अभी जो अभी कोरोना वायरस का टॉपिक आ रहा है इसको भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये तो अपन को नया टॉपिक मिल ही गया है कि कैसे कैसे हमने इन 6 महीनों को निकाला है कोरोना वायरस के थ्रू आउट, है ना। तो ये सारे टॉपिक उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। अपने खुद के विचार जो आप प्रस्तुत करते हो वही एक स्पीच कहलाती है। स्पीच को बोलने का तरीका आना चाहिए, प्लस लिखने का भी तरीका आना चाहिए। आज हम देखेंगे कि एक स्पीच कैसे लिखी जाती है कॉपी के अंदर। ये आपके फॉर्मल वे से भी देखें तो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर इनफॉर्मल वे से हम देखें तो भी इम्पोर्टेंट है। फॉर्मल वे से तो ऐसे हो गया कि अपन एजुकेशनल फील्ड के अंदर हैं, तो वहाँ पर ये टॉपिक हम करेंगे तो हमको मार्क्स के अकॉर्डिंग ये टॉपिक करना पड़ेगा। और इनफॉर्मल वे के अंदर हम इस टॉपिक को अगर लें तो कैसे हो कि हम कोई सामने किसी के अपने व्यूज़ प्रस्तुत करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बहुत से लोगों की भीड़ है, उसके अंदर हमको पर्टिकुलर खड़ा कर दिया कि आपको खड़े होकर किसी एक टॉपिक के ऊपर लगातार 5 या 10 मिनट के लिए बोलना है, ठीक है। एक काइंड ऑफ डिबेट हो गया एक तरीके से, लेकिन हम स्पीच कर रहे हैं। तो स्पीच डिबेट के अंदर क्या होता है कि डिबेट के अंदर अपन फेवर और इन फेवर के अंदर अपनी व्यूज़ देते हैं, लेकिन स्पीच के अंदर पर्टिकुलर एक वे में हमको ये टॉपिक बोलना होता है। इनफॉर्मल वे के अंदर हम क्या करते हैं कि हमको ये बात जो है किस तरीके से बोलनी है वो आना चाहिए। तो ये है, आज हम देखेंगे कि फॉर्मल वे के अंदर हम स्पीच कैसे लिखते हैं कॉपी के अंदर। तो स्पीच जो है, तो पहले स्पीच क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। स्पीच का मतलब मैंने बताया भाषण। अब देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ स्पीच, ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन हमको आनी ही आनी चाहिए। तो ए फॉर्मल टॉक दैट यू गिव टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। स्पीच क्या होती है कि एक औपचारिक बातचीत होती है जो कि हम लोगों की जो ग्रुप है उसके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ए फॉर्मल टॉक दैट यू गिव टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि हम लोगों के समूह के समक्ष जो भी हम बात लिखते हैं औपचारिक तरीके से या फिर बोलते हैं, वो होती है आपकी स्पीच, ओके। नाउ अब हम देखेंगे कि जो स्पीच होती है उसको लिखने के वेज कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं उसके अंदर। फॉर्मेट ऑफ स्पीच, फॉर्मेट ऑफ स्पीच का मतलब हो गया कि स्पीच का जो निर्माण है वो किन पॉइंट्स से मिलकर होता है। लगभग इसके अंदर हमारे 8 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं कि किस तरीके से हमको स्पीच लिखनी होती है। स्टेप बाय स्टेप हम इनको ओपन करते हैं। सबसे पहले जो आप स्पीच ले रहे हो, तो स्पीच के अंदर आपको क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होती है आपका टाइटल ऑफ द स्पीच। तो टाइटल जो होता है उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन के अंदर आपको आउटलाइंस दी हुई रहेगी एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर अब तक आपने स्टोरी तो की ही होगी ना, स्टोरी करते हो तो आपको पता होती है कि वो जो आउटलाइन दे देते हैं, एक वर्ड लिख देते हैं, फिर दूसरा वर्ड, फिर तीसरा वर्ड लिख देते हैं, ऐसे मतलब कि डैश डैश करके तीन चार वर्ड्स आपको दिए हुए रहते हैं। उन वर्ड्स को आप जोड़ तोड़ के जैसे तैसे करके अगर देखते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो उनसे कोई एक ना एक चीज़ बार बार रिपीट होती है। जो बार बार चीज़ रिपीट हो जाए उसको हमको देख के क्ल्यू मिल जाता है कि लगभग इससे मिलता जुलता हमारा जो है टॉपिक उसका टाइटल हो सकता है।
तो ये जो टाइटल होता है स्पीच का, ये अमूमन अपने एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन उसके अंदर दिया हुआ रहता है, आजकल दिया हुआ आता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है बड़ी क्लासेस के लिए है ये, कॉलेज लेवल तक के लिए, कि अगर आपको ये टाइटल नहीं दिया हो तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक के अंदर हमको ये स्पीच डालनी है। आपके 9th और 10th का लेवल ऐसा है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका ये जो टाइटल है वो दिया हुआ रहता है। ओके, तो टाइटल, ये जो टाइटल होता है ये सबसे पहली चीज़ होती है, जो भी आप स्पीच लिखोगे उसके अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर आएगा आपका टाइटल ऑफ द स्पीच, इसका एक नंबर फिक्स रहता है आपके। ओके, सेकंड पॉइंट पे आता है आपके फॉर्मल एड्रेस। फॉर्मल एड्रेस होता है आपका औपचारिक, आप किसी को भी संबोधन देते हो, औपचारिक तरीके से आप संबोधन कैसे दे सकते हो कि आप कहाँ पर स्पीच दे रहे हो। अगर आप स्कूल के अंदर दे रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ओके, या फिर आप अपने जो फ्रेंड्स के बीच में दे रहे हो या फिर ग्रुप के बीच में दे रहे हो तो लिख दो आप लोग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। या फिर किसी बड़े लोगों के समक्ष दे रहे हो, चीफ गेस्ट वगैरह हैं तो आप क्या करोगे, उनके लिए वर्ड लो यूज में लोगे ऑनरेबल। ऑनरेबल चेयरपर्सन या फिर चीफ गेस्ट। ओके, ये होता है आप जो फॉर्मल एड्रेस, जो औपचारिक, जो आप किसी को संबोधन देते हो। एड्रेस का मतलब यहाँ पर संबोधन से होगा, वैसे तो एड्रेस का मतलब अपन पते से लेते हैं, लेकिन ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए कि एड्रेस का अपन कई कई बार किसी को संबोधन देने के लिए भी ये वर्ड यूज़ में लेते हैं, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही आपको क्लियर की है कि इंग्लिश में एक वर्ड के कई से मीनिंग्स आपके निकलते हैं। ओके, तो आप ये जो है जो पहले टाइटल दे दो, फिर बाद में आप क्या करोगे कि जहाँ पर भी जिस स्थान पर आपको खड़े होकर स्पीच देनी है, जिस भी लोगों के समक्ष देनी है या फिर जहाँ कहीं भी आप दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या करोगे, उन पर्संस के लिए जो वहाँ पर मौजूद है, जिनके समक्ष आप जोगे, जो आपको जज करेंगे, उनके लिए आप वर्ड यूज़ में लोगे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल अगर स्कूल के अंदर दे रहे हो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी जो भी आप फ्रेंड्स या फिर मतलब कि अपने सोसाइटी के लोगों के समक्ष दे रहे हो तो ठीक है, और कहीं पर आपने पार्टिसिपेट किया है तो वहाँ पर चीफ गेस्ट या फिर चेयरपर्सन आएंगे तो उनके लिए वर्ड यूज़ में लोगे वो होगा ऑनरेबल, ऑनरेबल चेयरपर्सन और चीफ गेस्ट। ये आपको लिखना जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो भी नंबर कटेंगे, क्योंकि इनका भी एक नंबर फिक्स रहता है। ठीक है, अब बात में आती है थर्ड नंबर पे बारी शॉर्ट इंट्रोडक्शन की। सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना खुद का आना चाहिए, कि ये होता है आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपका खुद का आई एम प्रीति वन, प्रीति ऑफ क्लास 9th या फिर क्लास 10th जो भी हो। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। टुडे आई एम नेहा वांट्स टू रिप्रेजेंट द टॉपिक स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी आप बोल सकते हो उससे वहाँ पर, खाली फॉर्मल वे में छोटी सी लाइन के अंदर आपको इतना सा आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ये। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, नेक्स्ट आपका जो इंट्रोडक्शन आप दे देते हो उसके बाद में जो भी आपका टॉपिक है उसके ऊपर आप अनाउंस करोगे, जैसे अभी मैंने स्पीच के ऊपर बोला था तो वो उसके जस्ट बाद में कि आई एम नेहा, जो भी मैं आपका टॉपिक स्पीच करवा रही थी वो मैंने बाद में ऐड की थी लाइन, तो उसके लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप ये ले लो कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ले लो कि आई एम प्रीति ऑफ क्लास 9th। अब जो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक क्या हो जाएगा, टुडे आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन करप्शन। ठीक है, टुडे आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन करप्शन। यहां पर आ जाएगा आपका नाम, जो भी आपने आपका नाम लिया, ओके, क्लियर हो गई होगी ये चीज आप लोगों के, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन में खाली इतनी सी बात आएगी, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक हो वो उसको ऐड करना है उसके जस्ट बाद में। पंक्चुएशन मार्क का पूरा ध्यान आप लोग रखोगे, जहाँ कहीं भी आपको पंक्चुएशन मार्क्स का मार्क जो होते हैं उसको यूज़ में लेना होता है। इसके बाद में जो होता है आपका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर आप इसको बॉडी ऑफ द स्पीच बोल सकते हो, इसके अंदर जो आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर आप कितनी छानबीन करके आए हो,
कितने आपके पास में प्रूफ है कि उसके जो आप फेवर में या इन फेवर में या फिर जो आप अपनी बात रख रहे हो उसके पूरे तथ्य के आधार पर अपनी बात कह रहे हो, तो वो आती है आपकी डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट के अंदर आप ये जो बात होती है स्पीच की, वो दो या तीन लाइनें, ज़्यादातर मिनिमम चार लाइनें आप ले लो इसके अंदर, चार लाइनों के अंदर अपनी पूरी बात जो है वो आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न के अंदर आपको ये होता है कि जो आप स्पीच आपने बोली है, यहाँ पर तो हो गया बॉडी ऑफ द स्पीच, जो मेन बात आप इसमें अंदर बोलते हो, मेन जो आपका पॉइंट होता है वो इसके अंदर आ जाएगा। कंक्लूज़न के अंदर होता है कि जो भी आपने अपना टॉपिक रिप्रेजेंट किया है लोगों के समक्ष, उसके मतलब कि आप अपील कर रहे हो या फिर आप उसके अंदर ना चेतावनी दे रहे हो या फिर आप सजेशंस दे रहे हो, वो सारा कुछ एंड ही एंड के अंदर आप बोलते हुए वहाँ पर लिखोगे। जैसे आपने सजेशन दे दिया आपसे टॉपिक उसी टॉपिक के अंदर, ठीक है ना, अपील कर दी, ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। अब है फॉर्मल थिंग्स। सजेशन दे दिया, अपील दे दिया, अब एंड में क्या करोगे? एंड में आप स्पीच को ऐसे ही छोड़ के तो जाने से रहे, उस स्पीच को आप एंड तो करोगे तो साथ में इन लास्ट में आप क्या बोलोगे? थैंक यू। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए आपके, ये एक नंबर का, ये एक नंबर का, इनके सारे के सारे नंबर आप डिवाइड रहेंगे, बीच का जो आपका बॉडी ऑफ स्पीच होता है इसका दो नंबर रहता है, ठीक है ना। तो ये आधे आधे नंबर के आपके ये जो पॉइंट्स है ये डिवाइडेड रहेंगे, क्योंकि आपके छः नंबर का ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, कहीं आपका नंबर इधर से उधर ना हो जाए, इसके लिए आप पर आपको डिवाइडेड कर दिए कैटेगरी, ताकि आप जब स्पीच रखोगे तो ये पॉइंट्स अगर आपके ध्यान में रहेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो आप अपनी बात लिख रहे हो वो आपके दिमाग में रहेगी और आपका एक भी नंबर इधर का उधर नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं एक स्पीच, हम क्या करेंगे, एक स्पीच में लिख देती हूँ आप लोगों के समक्ष ताकि आपको बेटर समझ में आए। अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपके है कि योर क्लास प्लान ए कैंपेन अगेंस्ट करप्शन, राइट ए स्पीच ऑन करप्शन इन 60-80 वर्ड्स। आपके ये 60-80 वर्ड्स के अंदर आपको करप्शन जो है उसके ऊपर स्पीच लिखनी है। आपकी जो क्लास है उन्होंने करप्शन के जो अगेंस्ट है उसमें एक अभियान छेड़ा है, आपको इस टॉपिक के ऊपर 60-80 वर्ड पे करप्शन पे स्पीच डालनी है। करप्शन क्या है आपका? भ्रष्टाचार। हालांकि ये जो स्पीच है अगर ये आप कॉलेज लेवल पे जाते हो तो 100 to इतने वर्ड्स में भी आप लोग ये लिख सकते हो, 200 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड्स, इतने वर्ड्स में ये आती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके ये टाइटल दिया हुआ नहीं आता है, उसमें क्या लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो उसके अंदर टाइटल आपको खुद से ही फाइंड आउट करना होता है। एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो ये करप्शन के ऊपर आपको ये स्पीच दी जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन तो दिया हुआ रहेगा ही, साथ में आपको क्या होगा कि जैसे आप लोग स्टोरी अटेम्प्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, एक वर्ड यहाँ लिख दिया फिर डैश डैश कर दिया, फिर सेकंड वर्ड यहाँ लिख दिया फिर डैश डैश कर दिया, ऐसे तीन चार लाइनें आपको दी हुई रहती है। वो इसलिए दी हुई रहती है ताकि जो आपको जो वर्ड्स दिए हुए रहते हैं गैप के बीच में, आप उनको देख कर आपको कोई क्ल्यू मिल जाए और आप एक लाइन बना सको छोटी सी, इसलिए इसमें भी दी जाती है। वैसे मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, आप लोग अपनी किताब के अंदर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं करप्शन के ऊपर स्पीच, जो हमने फॉर्मेट स्पीच का सीखा था उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उसमें पहले था कि आपको करप्शन का जो भी आप जो स्पीच ले रहे हो उसका टाइटल आपको लिखना है, इसका एक नंबर डिवाइड रहता है। तो हम लोग क्या करें, करप्शन के ऊपर स्पीच लिख रहे हैं और ये टाइटल हमको जो है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने टाइटल, तो ये हो गए हमारे एक नंबर पूरे पक्के। टाइटल हमेशा हाईलाइट होना चाहिए, बड़े कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ होना कंपल्सरी है, ठीक है। फिर बाद में जो आप क्या करते हो कि आप स्टेप बाय स्टेप स्पीच लिखना स्टार्ट करते हो, उसमें पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको फॉर्मल एड्रेस देना होता है। फॉर्मल एड्रेस आप किसको दोगे? जिसके समक्ष आप स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हालांकि आपको लिखना तो कॉपी के अंदर है, बट बाय चांस आप लोगों के समक्ष जाके आप अपनी स्पीच बोलोगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना आप किन लोगों के समक्ष अपनी स्पीच बोल रहे हो। तो आप फॉर्मल एड्रेस उन्हीं लोगों को दोगे जो लोग आपके सामने होंगे। तो आप लोग क्या स्कूल का टॉपिक है और क्लास का भी टॉपिक है तो आप क्या टीचर्स और गार्जियंस के समक्ष स्पीच दोगे उनके सामने। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग फॉर्मल एड्रेस देते हुए क्या लिखोगे पहले कि रेस्पेक्टेड टीचर्स गार्जियंस एंड डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आया है आपकी जो क्लास फेलोज हैं उनके लिए, एक तरीके से वो आपके फ्रेंड्स ही तो हो गए, ठीक है। गार्जियंस हो गए यहाँ पर अभिभावक। जब भी कोई स्कूल के अंदर एक्टिविटी होती है तो उसमें आपके
गार्जियंस को भी इनवाइट किया जाता है। यहाँ पर हो गया रेस्पेक्टेड टीचर्स या फिर प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल है तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिख दो, अगर प्रिंसिपल वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं है तो आप टीचर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो सम्माननीय अध्यापक, अभिभावक और मेरे प्रिय मित्रों, ठीक है, ये लाइन आपने फॉर्मल एड्रेस करते हुए उनको लिख दी। इसका आधा नंबर डिवाइडेड था तो आधा नंबर आपको इसका मिल गया, ओके। एंड देन आपको क्या करना है कि आपको सेल्फ इंट्रो देना है थोड़ा सा छोटा सा। कल ही हमने देखा था कि आपको जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन खुद का होता है, सेल्फ इंट्रो जो कि आपका खुद का होता है, तो वो यहाँ पर आपने लिख दिया कि आप कौन हो। देखो कई बार ऐसा होता है कि स्पीच के अंदर हम जब अपना इंट्रो दे रहे होते हैं तो कई बार जो स्पीच के अंदर है वो नाम दिया हुआ रहता है ऑलरेडी। अगर आपको स्पीच के अंदर जो भी नाम आपको दिया हुआ रहता है वो आप लोग इंट्रोडक्शन के अंदर वही नाम लिखोगे। अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो कोई भी आप लोग नाम उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेल्फ इंट्रो के अंदर के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कोई भी नेम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने अपना ही नाम लिख दिया है। तो यहाँ पर जाएगा, टुडे आई नेहा जोशी ऑफ क्लास 10th वांट टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन अबाउट करप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपका सेल्फ इंट्रो होते हुए आपने थोड़ा सा जो अपना टॉपिक है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दी कि आप किस टॉपिक के ऊपर बोलने वाले हो। इतना तो हो गया आपका सेल्फ इंट्रो, एंड देन आपका हो गया जो आप टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा बहुत विचार प्रस्तुत करने वाले हो वो चीज़ आ गई। इसका भी आधा नंबर आपका डिवाइड हो गया, कितने हो गए, एक, और आधा आधा एक, दो नंबर तो यही हो गए आपके। अब थर्ड नंबर पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, तो डेवलपमेंट के अंदर आप क्या करोगे, स्पीच का जो आपका मेन बॉडी ऑफ स्पीच होती है वो लिखोगे। तो उसके अंदर क्या जाएगा आपको कि आपको मैंने बताया था कि मिनिमम आपको 4 लाइनों के अंदर अपनी बात को कंप्लीट करना है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, जो भी स्पीच आप ले रहे हो उस स्पीच के ऊपर आपने जो जैसे करप्शन है उसके ऊपर लिख रहे हो, तो इसके बारे में आप इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पूरी जानकारी लेके आए हो, इसके क्या लाभ क्या हानि क्या इसके जो है सोसाइटी के ऊपर असर हो रहा है, क्या बच्चों के ऊपर असर हो रहा है, ये सारा कुछ आप देख के आए हो, और इसका परिणाम क्या होने वाला है ये भी आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो भी टॉपिक आप स्पीच का ले रहे हो उसकी पूरी आपको जानकारी होनी जरूरी है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच के अंदर आप अपनी बात को रखोगे, ठीक है, तो ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा। वन मोर थिंग कि करप्शन का जो टाइटल आपने दिया है उसके बाद में जो आप स्पीच लिख रहे हो तो उसके अंदर देखो एक फॉर्मल एड्रेस, सेल्फ इंट्रो और जो डेवलपमेंट ऑफ स्पीच होगा, ये तीनों एक ही लाइन के अंदर आने कंपलसरी है, इनको एक ही सीध में लिखना जरूरी है, प्लस इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटल लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो इन मामूली मामूली जो गलतियाँ आप करोगे उनके नंबर आपके कट होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तीन लाइनें जो आपने लिखी है एकदम एक सीधी में चल रही है, हमको पता ही है। फिर डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया है तो उसके अंदर क्या लिखा है हमने कि करप्शन के बारे में कि नाउ ए डेज करप्शन इज सोरिंग हाई इन एवरी स्पेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। नाउ ए डेज का मतलब हो गया इन दिनों, करप्शन अगेन भ्रष्टाचार, सोरिंग हाई यानी कि उच्चतम दर पर, एवरी स्पीयर ऑफ सोसाइटी, स्पेयर का मतलब हो गया क्षेत्र, सोसाइटी का मतलब हो गया समाज। तो इस लाइन का हिंदी अर्थ हम देख लेते हैं एक बार कि इन दिनों में जो करप्शन है यानी कि भ्रष्टाचार है वो समाज के हर क्षेत्र में उच्चतम दर पर लगातार बढ़ते ही जा रहा है, ओके। नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी, इट इज रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स, इविल्स मीन्स होता है बुराई, रूट कॉज, रूट का मतलब वैसे तो होता है जड़ से, लेकिन यहाँ पर रूट का मतलब अपन निकालेंगे मूल, मूल और जड़ एक ही बात होती है साइंस के लैंग्वेज में, इसको मूल कहते हैं जड़ को, है ना। कॉज का मतलब हो गया कारण, इट इज रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स, करप्शन क्या है यानी कि यही जो है वो सभी बुराइयों की जड़ है, एक बुराई की जड़ क्या है, करप्शन ही है। तो यहाँ पर लिख दिया है हमने ये चीज कि यही सारी जो बुराइयाँ होती है उनका मूल कारण है। Every day a new scandal is unfolded and a breaking news is made. Breaking news वही हो गई आपकी जो आपकी newspaper के अंदर highlight करती हुई जो front के ऊपर news आती है कि जो बड़े अक्षरों में आती है bold में, तो वो होती है आपकी breaking news। और breaking news वो भी होती है आपकी जो TV के अंदर कोई भी recently कोई नई news घटित हो गई अपने world के अंदर या फिर अपने society के अंदर या फिर अपने nation के अंदर, तो वो चीज़ का ज़्यादा अपना रहता है कि हर एक जो मिनट मिनट में उसी की खबर हमको बार बार दिखाते हैं। जैसे अभी कोविड का ज़्यादा चल रहा है तो कोविड के ऊपर अपन को लेटेस्ट अपडेट बार बार दिखाई जा रही है कि कौन से क्षेत्र में कौन से राज्य में कितनी दर पर ये बढ़ रही है लगातार। वैसे ही करप्शन क्या है, अगर ये
अभी रिसेंटली वाला टॉपिक है जो कि ज़्यादातर बढ़ रहा है नेताओं के बीच में और में, तो ये बार बार हमको बार बार यही न्यूज़ में दिखाएंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज़ वो हो गई आपकी, स्कैंडल का मतलब हो गया यहाँ पर कांड से। ओके, कांड वही जो नया आप क्राइम करते हो, इसको क्राइम भी बोल सकते हो आप। अनफोल्डेड का मतलब होता है सामने आना या खुलना, राज खुलना या फिर सामने आना, एक ही बात होती है। तो एवरी डे ए न्यू स्कैंडल इज अनफोल्डेड एंड ए ब्रेकिंग न्यूज इज मेड। प्रतिदिन क्या होता है, एक कोई ना कोई नया कांड हमारे सामने आता है और वो ही सुर्खी बन जाती है या फिर समाचार पत्र की ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। वेल्थ सीम्स टू हैव बिकम मेन एम फॉर द पर्सन इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व्ड का मतलब होता है शामिल होना, वेल्थ का मतलब यहां पर होगा धन से, सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, बिकम मेन एम मुख्य कारण, जो भी पर्सन इस करप्शन के अंदर, यानी कि जो ये करप्शन वाला क्राइम है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनका मेन रीजन क्या होता है करप्शन जैसी इस चीज में शामिल होने का, वो होता है धन। धन के कारण ही एक व्यक्ति क्या होता है कि कोई क्राइम करने पर मजबूर हो जाता है, वो ये नहीं देखता है कि क्राइम जो मैं कर रहा हूँ किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, कौन से पर्सन को उससे ना हर्ट होगा, ये नहीं देखते हैं। वो खाली धन है, धन उनको चाहिए होता है, तो धन के लिए वो कुछ भी कर डालते हैं। इसीलिए क्या है कि जो ये करप्शन बढ़ रहा है, इसका मेन जो रीज़न है वो क्या है, आपका धन, क्योंकि धन है वही सारी जो बुराइयाँ होती है उसकी जड़ होती है। वेल्थ सीम्स टू हैव बिकम मेन एम फॉर द पर्सन इन्वॉल्व। धन जो है, जो भी व्यक्ति इस करप्शन जैसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं, उसका मेन रीजन क्या हो गया, धन ही होता है। करप्शन हैज अल्टीमेटली रूइंड मॉरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। करप्शन जो है अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार, रूइंड का मतलब होता है बर्बाद कर देना, मॉरल वैल्यूज यानी कि नैतिक मूल्य, वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य से, मॉरल का मतलब हो गया नैतिक से, एथिक्स जो भी आपके होते हैं। ह्यूमन सोसाइटी यानी कि मानव समाज, करप्शन ने आखिरकार, इस करप्शन ने जो मानव समाज है उनके सारे के सारे नैतिक मूल्यों को बर्बाद कर दिया है। इतना तो आपने क्या कर लिया, दो नंबर का टॉपिक कंप्लीट किया। ये होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ द स्पीच, ये दो नंबर इसके मिल ही जाएंगे आपको। एंड देन आपको क्या करना होता है कि स्पीच की जो एंडिंग आप करते हो, तो स्पीच की जब आप एंडिंग करते हो, कि लास्ट में जो एक लाइन आपको लिखनी कंपलसरी होती है, ये लाइन वो लाइन होती है जिस लाइन के अंदर आप लोग क्या करते हो कि कोई अपील करते हो या फिर कोई सजेशंस देते हो या फिर वार्निंग देते हो कि ये जो हम जो चीज़ आपको बता रहे हैं करप्शन के बारे में, इसके क्या चेतावनी हम आपको दे सकते हैं, इसके बारे में क्या निवेदन हम आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर क्या हम सजेशन या फिर सुझाव दे सकते हैं। तो ये करप्शन है, तो इसके बारे में हमने क्या किया है, खाली सुझाव ही प्रस्तुत किया है। अब एक चीज़ और, जो आप लास्ट में सुझाव दे रहे हो या फिर सजेशन दे रहे हो, वो भी आपको क्या करना है, इन्हीं की सीध में लिखना कंपलसरी है। अगर आप आगे पीछे लिखोगे तो भी आपका मार्क कट होगा, ठीक है। तो ये जो होगा इसका भी लेटर कैपिटल लिखना है आपको, और ये भी इसी की सीध में आएगा। तो यहाँ पर हमने सजेशन क्या दिया है, ओनली पब्लिक अवेयरनेस एंड स्ट्रेंचनेट लॉज कैन चेक करप्शन। चेक का मतलब होता है रोकना, स्ट्रेंचनेट लॉज का मतलब होता है कठोर कानून, लॉ का मतलब तो आपको पता ही होगा कानून होता है, और यहां पे स्ट्रेंचनेट का मतलब होता है कठोर। अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस का मतलब होता है जनता की जागरूकता। ओनली पब्लिक अवेयरनेस एंड स्ट्रेंचनेट लॉज कैन चेक करप्शन। खाली जो जन जागरूकता है, जनता की जागरूकता और जो कठोर कानून है, वो ही इस करप्शन को रोक सकते हैं, भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। यहाँ पर आपने सजेशन दे दिया, लास्ट में लिखना होता है आपको धन्यवाद, तो थैंक यू जो आप लिखोगे वो भी इन्हीं की सीध में ही चलेगा, क्योंकि इनका भी आधा आधा नंबर डिवाइडेड रहता ही है आप लोगों के। तो यहाँ पर क्या हो गया कि थैंक यू आपको लिख देना है और स्पीच अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक नंबर टाइटल का हो गया, दो ये आधा आधा नंबर आपका इसका हो गया सेल्फ इंट्रो का और फॉर्मल एड्रेस का, ये हो गया आपका तीन नंबर इधर, ये चार और पांच डेवलपमेंट का, और ये आधा आधा नंबर इसका हो गया आपका, तो ये हो गया आपका छह नंबर। इस तरीके से ये आपका छह नंबर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया।
स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको आज क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा कुछ ये हार्ड है नहीं, फिर भी आप इसको देखिए और लिखने का तरीका आप ध्यान में रखोगे तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। थैंक यू।